सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो देखिए, ये मूंग दाल और ओट का प्रोटीन रिच कबाब मैंने बनाया है। ये सभी के लिए बहुत हेल्दी है और खाने में यमी तो लगता ही है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे शिमला मिर्च प्याज और से गार्निश किया है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही कम तेल में मैंने बनाया है। हमारे साथ हमारे किचन में आइए और मिलकर बनाइए और फिर मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मूंग दाल और ओट का कबाब बनाने के लिए मैंने इस कप से 1 कप मूंग दाल लिए। उसको मैं 2 घंटा भिगो करके ऐसे छान के रखी हूँ। देखिए, इस तरह से छान कर मैंने रखा है। और ये इसी कप से 1 कप मैंने ये ओट लिया है। ये ओट है। अब इसमें मैं क्या क्या सामग्री मिलाऊंगी मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि इस कप से मैंने मूंग दाल और ओट लिया हुआ है। एक प्याज को मैं इस तरह से बारीक काट ली हूँ। इस 2 बड़े चम्मच प्याज कटे हुए डालूंगी। ये ब्रेड क्रम्स है, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डालूंगी। ये चाट मसाला है, इसे मैं स्वाद के अनुसार मिलाऊंगी। ये कसा हुआ ये गाजर है, इसे भी 2 बड़ा चम्मच मिलाऊंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे 1 चम्मच मिलाऊंगी। ये बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च है, उसे मिलाऊंगी। और ये हल्दी और लाल मिर्च मैं थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी। और गार्निश करने के लिए मैंने पीली मिर्ची, लाल मिर्ची और ये प्याज को 1/2 प्याज है, उसे इस तरह से क्यूब में काट दिया है। तो ये गार्निश के लिए मैंने लिया है। और इसे मैं किसी भी तरह के मीठा तेल में बनाऊंगी। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये ओट को रोस्ट करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो ओट को रोस्ट करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। ये गर्म हो गया है, इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। ये जब रोस्ट हो जाएगा तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के बाद मिक्सी में इसका दरदरा पाउडर बना लें। देखिए, ये रोस्ट होने की खुशबू आने लग गई। अब मैं गैस बंद करती हूँ। तो देखिए, ये ओट रोस्ट हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए मैं थोड़ी देर छोड़ दे रही हूँ। और मैं आप मिस कर रही थी कि आप जब भी ये ओट और मूंग दाल का कटे हुए हैं तो प्लेन ओट जो होता है, मसाले वाला ओट ना लें, प्लेन ओट लें। तो ये देखिए, ये रोस्ट हो गया है। अब मैं जो गार्निश करूँगी शिमला मिर्च प्याज और से, तो सबसे पहले इनको हल्का सा सेक लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे। तो देखिए, ये कढ़ाई में तेल डाला है मैंने, 1 चम्मच इस चम्मच से तेल डाला है मैंने। और अब इन्हें डाल देती हूँ और हल्का सा इन्हें चला लीजिए, हल्का सा इसका कच्चापन निकाल लीजिए। इसे आप बस 1 मिनट भूनिए और बहुत तेज आंच पे ना भूनें। और इस पर हल्का सा नमक डाल दें, गैस को बंद कर दें। तो देखिए, इसका कच्चापन निकल गया है। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए, गार्निश करने के लिए जो मैंने पीली और लाल शिमला लिया था और प्याज लिया था, उसे हल्का सा सेक लिया है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब मैं इसी कढ़ाई में ये जो मूंग दाल भिगोई हुई जो मूंग दाल थी, मैं वो डाल रही हूँ। और इसी कप से 1 कप पानी मिलाऊंगी, स्वाद के हिसाब से नमक मिलाऊंगी और 1/4 टेबल स्पून हल्दी मिला रही हूँ। तो दाल सॉफ्ट होने तक इसे पकाती हूँ मैं। तो देखती हूँ पानी सूखा कि नहीं। हाँ, देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है। देखिए, अब गैस को बंद कर दें और इसे 3-4 मिनट ढककर ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसमें सारी सामग्री मिलाते हैं। तो देखिए, ये दाल भी थोड़ा ठंडा हो गया है। और ये ओट जो है, इस ओट को मैंने थोड़ा मिक्सी में चलाकर इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो एक बर्तन में इस मूंग को पलट लेंगे हम। तो देखिए, ये दाल मैंने इसमें रख लिया। अब सारी सामग्री मिला देंगे। ये ओट मिला दे रहे हैं,
ये 2 चम्मच ब्रेड क्रम मिला दे रहे हैं, ये 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज मिला दे रहे हैं, ये गाजर 2 बड़े चम्मच कसे हुए गाजर हैं वो मिला दे रही हैं, थोड़े से बीन्स है उसे मैंने उबाल लिया था इस तरह से काट करके, और अगर आपके पास मटर हरे मटर हैं तो उसे भी उबाल कर हल्का सा दरदरा करके मिला सकते हैं। तो ये बीन्स है, ये 2 हरी मिर्ची है, मिर्ची आप अपने खाने के हिसाब से ही डालें। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो 2 चम्मच में मिला रही हूँ, ये बारीक कटा हरा धनिया मिलाकर मिलाए, और फिर इसमें 1 चम्मच ये चाट मसाला है मैं उसे डाल रही हूँ। चाट मसाला नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, स्वाद के लिए नमक मिला रही हूँ और इन्हें मिला लें अच्छी तरह से। तो ये सारे को मैंने अच्छे तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है कबाब का। अब हाथ में हल्का सा चिकना करने के लिए तेल लगा लें, और तेल लगा करके ऐसे थोड़े से इस तरह से मिश्रण को लें, और इसे एक अच्छा सा शेप डाल दें, देखिए मैं इस तरह से छोटे छोटे सारे शेप डाल दे रही हूँ, और ये शेप डालने के बाद इसे हल्का हल्का तवा पर सेकेंगे। तो चलिए पहले सारा शेप बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ऐसे ये इसके कबाब ऐसे बना लिए हैं, ये शेप दे दिया है, और एक टूथपिक में इस तरह से मैं लगा करके और सबको तवा पर मैं हल्का तेल डाल दी हूँ मैं, और तवा पे सबको सेकूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का क्रिस्पी हो जाए इतना होने तक हम इसे सेकेंगे, और तवा को घुमा घुमा करके तेल को भी चारों तरफ से फैलने दें ताकि ये हमारा कबाब गोल्डन ब्राउन हो जाए। मुझे गोल्डन ब्राउन हो गया देखिए, तो अब इसे पलट देंगे। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो रहा हो गया है, और इसे घुमाते रहेंगे, और बस चारों तरफ से अच्छे से तेल में इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और मैं इसे गार्निश कर देती हूँ, आप थोड़ा ठंडा होने के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है इसको, ये हमारा ओट और मूंग दाल का क्रिस्पी कबाब बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, आप बनाए खाएं और फिर मुझे बताएं ये आपको कैसा लगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।